हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता सुजलिका फूड कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही रक्षाबंधन की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। सूजी के गुलाब जामुन तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन सूजी के काला जामुन आपने नहीं खाए होंगे। आप देख सकते हैं कितना स्पंजी और रसीलेदार हमारा बना है काला जामुन। अगर आपको इस तरह का काला जामुन बनाना है तो आप वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे घर की कटोरी से 2 कटोरी पानी डालूंगी। जिस कटोरी से हमने पानी लिया था उसी कटोरी से हमें चीनी लेना है 2 कटोरी। जितना पानी उतना ही चीनी। चीनी के पिघलने तक हमें इसे चलाना है, नहीं तो चीनी नीचे में बैठ सकती है। ये देखिए चीनी पिघल गई है और चाशनी में उबाल भी आ गया है। हम चाशनी को थोड़ी देर पकाएंगे। हमें यहाँ एक दाल की चाशनी नहीं चाहिए, बस चिपचिपी होने तक हमें चाशनी को पकाना है। चाशनी में हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस डालने से चाशनी खट्टा नहीं होगा, बल्कि जो चीनी का क्रिस्टलाइजेशन होता है उसे रोकेगा। फ्लेवर के लिए डालेंगे हम 2 इलायची को मैंने कूट लिया है। आप यहाँ पे केसर के धागे भी डाल सकते हैं। चाशनी को पकाते हुए करीब 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं, चाशनी को चेक कर लेते हैं। इस तरह से थोड़ा सा चाशनी को उंगलियों में लेंगे और इस तरह से इसे देखेंगे। ये देखिए चिपचिपी सी आपको लग रही होगी। ये देखिए हमें एक तार की कोई चाशनी यहाँ नहीं चाहिए, चिपचिपी सी लग रही है, ऐसे ही चाशनी हमें चाहिए। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चाशनी को रख देंगे साइड में और आगे का प्रोसेस हम कर लेंगे। मैंने गैस पे एक पैन रखा है, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। अब इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी बारीक वाला सूजी या रवा। मैंने सेम कटोरी लिया है जिस कटोरी से चाशनी बनाते वक्त हमने चीनी और पानी लिया था, उसी कटोरी से मैं यहाँ 1 कटोरी बारीक वाला सूजी ले रही हूँ। यहाँ पे जरूरी पॉइंट्स, आपको यहाँ पे बारीक वाला सूजी ही लेना है, तभी आपके काला जामुन अच्छे बनेंगे। अगर आपके पास बारीक वाला सूजी नहीं है तो आप नॉर्मल सूजी को मिक्सी में थोड़ा चला लीजिए तो बारीक बन जाएंगे। सूजी को हमें लगातार चलाते हुए धीमी आंच पे अच्छे से भून लेना है। सूजी को मैंने करीब 3 से 4 मिनट भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच चीनी, इससे डो में थोड़ा सा मिठास आएगा। 1 चम्मच हम डालेंगे मिल्क पाउडर, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें वरना इसके बिना भी आप बना सकते हैं। मिल्क पाउडर डालने से क्या होगा कि काले जामुन में टेस्ट और अच्छा आएगा। इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब इस पे हम डालेंगे 2 कटोरी दूध। पहले हम 1 कटोरी दूध लिए हैं, इसे हम डाल के मिला लेंगे। हमने सेम जिस कटोरी से सूजी लिया था उसी कटोरी से हम यहाँ पे दूध ले रहे हैं। 1/2 कटोरी भी दूध डाल देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे 1/2 दूध और 1/2 पानी कर मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे हम अच्छे से मिलाएंगे, इसे धीमी आँच पर ही पकाना है। ये देखिए हमें इसे इसी तरह अच्छे से मिलाना है। सूजी बहुत जल्दी ही दूध को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। आप देख सकते हैं ये अब गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे हमें इसे लगातार चलाना है, इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये नीचे से बैठ सकता है। इसी तरह हमें इसे चलाते रहना है जब तक ये एक डो के फॉर्म में ना आ जाए और कढ़ाई को या पैन को छोड़ना ना शुरू कर दे। इसी तरह हमें इसे चलाना है। ये देखिए अब ये डो के फॉर्म में आना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कढ़ाई के तले को छोड़ना शुरू कर दिया और एक डो के रूप में आ चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे थोड़ा सा हल्का ठंडा कर लेंगे। मैंने मिक्सचर को एक प्लेट में निकाल के हल्का ठंडा कर लिया है, अभी भी ये मिक्सचर गर्म है। अब इस हाथों में थोड़ा सा घी या ऑयल लगा लें और इसे हमें अच्छे से मसलना है। हमें इसे मसल मसल के चिकना करना है, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। आप जितना अच्छा से सूजी को मसलेंगे हमारे काला जामुन उतना ही अच्छा बनेगा। ये देखिए मैंने इसे करीब 3 से 4 मिनट अच्छे से मसल लिया है। आप देख सकते हैं अब ये बहुत ही चिकना डो बनकर तैयार हो गया है।
काले जामुन के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं और इसे ढक देते हैं ताकि ये सूखे ना। स्टफिंग के लिए हम यहाँ पे लेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर, 1 चम्मच ड्राई फ्रूट। मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट में काजू किशमिश बादाम लिया है, थोड़ा सा इसमें मैं केसरिया फूड कलर डाल रही हूँ ताकि स्टफिंग का कलर अच्छा आए। अब इसमें हमने जो चाशनी बनाया है उसे थोड़ा सा हम डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि एक अच्छा सा पेस्ट बन के तैयार हो जाए। ये देखिए हमारी स्टफिंग बन के तैयार है। अब इस पेस्ट से हम इसके छोटे छोटे से बॉल तैयार कर लेते हैं। हमें एकदम स्टफिंग के लिए चाहिए बॉल, तो एकदम इस तरह से एकदम छोटे छोटे बॉल हम तैयार कर लेंगे। इस तरह से मैंने इस तरह से सारे बॉल्स को बना लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब हाथों में थोड़ा सा तेल या घी लगा लेंगे और सूजी वाले मिक्सचर से छोटे छोटे से बॉल हमें बनाना है। इस तरह से छोटा सा पोर्शन लेंगे, उसे इस तरह से हथेलियों के बीच में गोल बना के उंगली से इस तरह से दबाएंगे और उसके बाद स्टफिंग को हमें इसे भरना है और चारों तरफ से इसके किनारों को मोड़कर इस तरह से हमें हल्के हाथों से प्रेशर देते हुए इसे चिकना बॉल बना के तैयार करना है। आप देख सकते हैं बॉल बिल्कुल चिकना होना चाहिए, इसमें कोई क्रैक्स नहीं हो गए। ऐसे हम प्लेट में रखते जाते हैं और इसी तरह से हम सारे बॉल्स को बना के तैयार कर लेंगे। देखिए हमने इस तरह से सारे गोले बना लिए हैं। अब इसको हमें तलना है। मैं यहाँ पे एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रखी हूँ, तेल मीडियम गरम होना चाहिए। अब इसमें हम एक एक करके इसको डाल देंगे, दूर दूर में डालें इस तरह से, जितना कढ़ाई में आए उतना हम डाल देंगे। डालने के बाद इसे छेड़ना नहीं है, इसे ऐसे ही थोड़ी देर रहने देना है और हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। 2 मिनट के बाद हमें इस तरह से हल्के हल्के हाथों से कलछू से इस तरह से हिलाना है, इस तरह से। अब इसे हम इसी तरह थोड़ा सा उलट पुलट करते हुए फ्राई करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, आप देख सकते हैं। अगर आपको गुलाब जामुन बनाना है तो इस स्टेज पे आप इसे निकाल के चाशनी में डाल सकते हैं तो ये गुलाब जामुन बन जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे काला जामुन बना रहे हैं इसीलिए हम इसे और थोड़ा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए अब इसमें अच्छा कलर आ गया है, पूरा काला जामुन की जैसा कलर आ गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं, कितने अच्छे बने हैं हमारे काला जामुन। अब इसे हमें गर्मा गर्म चाशनी में डालना है। चाशनी अगर ठंडा हो गया हो तो उसे आप अच्छा गर्म कर लें। अब इसे हम गर्मा गर्म एकदम चाशनी में डाल देते हैं। दूसरे बैच का भी तल लेंगे, लेकिन अभी तेल बहुत गर्म है तो दूसरा बैच का तलने से पहले हमें तेल को थोड़ा ठंडा कर लेना है। तो हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, जब तेल हल्का गर्म होगा तब हम इसे फ्राई कर लेंगे दूसरे बैच का। सभी काले जामुन को हमने बना के चाशनी में डाल दिया है। अब इसे हम 1 घंटा इसी तरह सोक होने के लिए रख देंगे। चाशनी में सोक होने के बाद मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है काला जामुन को, आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे काला जामुन कैसे बने हैं। गुलाब जामुन थोड़े से लाइट कलर में होते हैं और उसके जो ऊपर वाला परत होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन काला जामुन थोड़ा सा डार्क कलर में होते हैं और ऊपर का उसका जो लेयर होता है वो थोड़े कड़े होते हैं। ये देखिए कितना अच्छा बना है, आप इसके अंदर के जाली को देख सकते हैं, स्मूथ और रसीला है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।